दोस्तों मैं राजेश वर्मा, आज की वीडियो है हमारे बहुत सिंपल छोटे से टॉपिक। लोग अक्सर पूछा करते हैं जब फ्रिज काफी ज्यादा पुराना हो जाता है, 10 साल 5 साल पहले की काफी ज्यादा पुरानी फ्रिज होती है, उसमें उसकी जो दरवाजे का जो रबड़ है कहीं ना कहीं से टूट कर सड़ कर जो उसके बीच में जो गैपिंग आती है थोड़ी थोड़ी, जिसकी वजह से जब फ्रिज के दरवाजों को बंद करते हैं तो उसके अंदर की जो कूलिंग एयर है वो बाहर निकल जाती है धीरे से। जितनी प्रॉपर कूलिंग करना चाहिए उतनी प्रॉपर कूलिंग नहीं करती है, उस कंडीशन में हम परेशान रहते हैं। तो क्या सोचते हैं कि फ्रिज की जो दरवाजे का जो रबड़ है वो चेंज करा लें, लेकिन मार्केट में कोई ऐसा रबड़ नहीं मिलती है या फिर कोई वहाँ पर जुगाड़ सिस्टम काम नहीं करती है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा बहुत सिंपल छोटे सी जुगाड़ टिप, जिससे आपके जो प्रॉब्लम है हो जाएंगे बिल्कुल सॉल्व। चलिए समझते हैं। फ्रिज की दरवाजा जब बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं गैपिंग होने की वजह से वहाँ से एयर निकलती है, उस जगह को पैक करने के लिए चीज यूज कर सकते हैं। जो गद्दा हम घर पे सोने के लिए यूज करते हैं या फिर सोफा या फिर कुर्सी वगैरह में जो गद्दे लगती स्पंज वाली, उस स्पंज की टुकड़े को उस फ्रिज की जो रबड़ है जहां जहां पर गैपिंग है वहां वहां पर चिपका देंगे। तो स्पंज होने के कारण से जब फ्रिज की दरवाजे को बंद करेंगे तो दरवाजा जो है प्रॉपर वहां फ्रिज पर बंद हो जाएंगे और जो गैपिंग बचती है वो गैपिंग को स्पंज जो है बिल्कुल बराबर कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने फ्रिज में स्पंज लगाएं जहां पर फ्रिज में रबड़ की हल्की हल्की गैपिंग है वहां पर। तो मेरी छोटी सी आज की टिप्स आपकी काम आएंगे। वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।